जेठालाल के पापड़े जेठालाल से चुरा के लाए। हेलो हाय हाउ आर यू। हेलो गुड मॉर्निंग नानी। आता हूं मैं क्या बोल रहा था। मैं बोल रही चलो गिफ्ट भी सही ला। अच्छे से कार्ड दे दे दादा जी ने अलग टाइम दादा भैया नाना हेलो करो आप भी करिए देर करिए नानी बाहर आके करिए। हेलो करो मैंने कौन सा देख लियो दे गाइज आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। गाइज आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हम सब जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। बर्थडे है अभिषेक का, दीदी के लड़के का, मेरे हस्बैंड की बड़ी दीदी का लड़का है अभिषेक। आज हम जा रहे हैं उसके बर्थडे में। गाइज अभी टाइम हो रहा है दिन के 2:30, तो हम यहाँ घर से निकल रहे हैं मम्मी जी और मैं, बाकी देवर जी, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे स्वामी जी और पापा जी, वो सब आएंगे ड्यूटी से। तो गाइस हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, मिलते हैं आपको सीधा दीदी के घर। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको रास्ते का व्यू भी दिखा दूंगी। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं दीदी के घर। यहाँ से अब थोड़ा ही है दीदी का घर। तो दीदी ने कहा बाहर जहाँ पे मार्केट लगती है वहाँ पे अक्कू और मैं आ जाएंगे लेने के लिए। तो मम्मी जी अक्कू के साथ घर आ जाएगी, अक्कू और मैं वहीं से मार्केट का थोड़ा सामान लेते हुए घर आ जाएंगे। तो गाइस मैं दीदी को बिना बताए दीदी की वीडियो बनाने लग गई थी, इसलिए दीदी ने ओ माय गॉड बोला। और अब दीदी ने उड़द की दाल तो ले ली है पकोड़े बनाने के लिए। और अब हम लेंगे आलू प्याज टमाटर। यह है दीदी औरों के घर के पास की सब्जी मंडी, यहाँ पे ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। आप देख सकते हो ये दीदी ने भी ले लिए हैं प्याज। और अब लेगी दीदी हरी हरी सब्जियाँ। उसके बाद हम लेंगे पनीर, आज दीदी बनाएगी मटर पनीर। और अब दीदी लेने वाली है पनीर, यहाँ से लेगी दीदी पनीर और उसके मसाले वगैरह। और अब हम इसके बाद जाएंगे गोलगप्पे खाने। तो अब हम यहाँ पे गोलगप्पे खाएंगे थोड़ा आगे पे। तो ये गोलगप्पे वाले भैया शर्मा आ गए कि मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा नहीं बनाऊँगी, पर वो फिर भी चले गए और अपने पार्टनर को जो उनके साथ दूसरे अंकल जी रहते हैं तो उनको लेके आ गए कि वो खिलाएंगे गोलगप्पे। तो फिर अब अंकल जी खिला रहे हैं गोलगप्पे। तो पहले दीदी खा रही है, मैंने कहा दीदी पहले मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, फिर अभी दीदी खाएगी, उसके बाद आएगा मेरा नंबर। कुड़ियां नू गोल गप्पे बड़े ने पसंद, मुंडा आखे कामे आही तोरना, खाने तो बाद कैड़ पापड़ी भी दे दो होर किसे चीज दी भी लोड़ना। केंदा चलू कम पूरा मनोरंजन भी पूरा, चलू कम पूरा मनोरंजन भी पूरा, नाले लगिया रहूगा मेरा जी, लगिया रहूगा मेरा जी। इको गल माड़ी ओदो हुंदा मूड़े ओफ जदो आख दिया आके भैया जी, गल माड़ी उदो हुंदा मूड़े ओफ जदो आख दिया आके भैया जी। ये हम पहुंच गए अक्कू और रुकी। हाँ बड़े बॉय को तो बुला, बुला नहीं रही मैं, वीडियो में दिखा रही बड़े बॉय को। अच्छा देखो बड़े बॉय आए मेरा, तुम बताओ। अरे देख तेरे को मैं चीज बताऊंगी, मैं पहले सीधा उसके बाद दिखाऊंगी। ये है बड़े बॉय। हेलो गाइस। और ये अक्कू अभिषेक की छोटी बहन। हैप्पी बर्थडे अभिषेक, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। यहाँ पे मामी और पी रहे हैं चाय और नानी छिल रही है मटर, खा रहे हैं ये जेठालाल के पापड़े जेठालाल से चुरा के लाए। यहाँ पे मम्मी सर्दियों में चाय का आनंद लीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ और जेठालाल के पापड़ी के साथ। गाइस अभी ना
कुछ दिन पहले दीदी का बर्थडे भी आया था 15 तारीख, तो मैं दीदी के बर्थडे में नहीं आ पाई थी और मैं दीदी के लिए गिफ्ट लिया था पर आई नहीं पाई बर्थडे में, तो दे भी नहीं पाई। तो आज दीदी के लिए भी गिफ्ट लेके आ रखी हूँ, अभी थोड़ी देर में दीदी को गिफ्ट दे दूंगी फिर बताऊंगी आपको। अरे यार इसकी क्या जरूरत थी यार, इसलिए तो आगे कोई बहुत है यार, पहले एक ब्लॉग बन रहा है। अच्छा तुम आ तो गए, पंकज आ तो गया था परसों, उसने भी दे दिया था मुझे। बताना कैसा लगा आपको है। ठीक है बाहर बाहर तो बोलते हैं। अच्छा लगा आपको गिफ्ट? बहुत अच्छा गिफ्ट है। अच्छा नहीं बहुत अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, अच्छे शेड है। एक ही बार में रब करो ना। हाँ शेड अच्छे सारे, शेड भी कलर भी अच्छे सारे, लाइट भी है डार्क भी है सारे अच्छे हैं ना, सारे कलर अच्छे। ना अपने ढक्कन उल्टे पुल्टे लगा दिए है ना, ये ब्यूटी ना देखो चला चला, मैंने भी ऐसे देखा था पहले। अभी इसमें दूध और डालेगा गाइस, अभिषेक से मंगाया ना। हाँ हाँ अच्छा हाँ वो साफ कर दिया जल्दी से, तभी कर रहा मैंने साफ। ये मसाला छोलों के लिए और ये मटर पनीर के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो स्ट्रेटनर ये दिया है अब्बू अभिषेक ने दीदी को बर्थडे पे गिफ्ट, और मैं अपने बालों पे ट्राई कर रही हूँ। ऐसे तो आप देख सकते हो मेरे बाल स्ट्रेट है पहले से ही, पर मैंने कभी ट्राई नहीं करा ना, मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने ट्राई भी नहीं करा, इसलिए मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ अपने बालों पे स्ट्रेटनर। क्योंकि मेरी मामी बहुत केयर करती है अपने बालों के, इसीलिए उनके बाल स्ट्रेट। थैंक यू सो मच। तो गाइस अब आप देखो, थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ मैं, ये मैंने स्विच ऑन कर लिया है। फर्क तो खैर कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा, पर थोड़ा बहुत देखते हैं हो गया क्या। हम हाथ लगा लीजिए आप मेरे बालों को देखते रहते हैं, इसलिए आपको कुछ मतलब वो नहीं लग रहा कुछ, क्या कहते हैं यहाँ देख सकते हैं मेरी मामी कर रही है अपने बाल स्ट्रेट। मेरे को वैसे पता कर ली बाल अच्छे लगते हैं इससे। देखो गाइस बहुत फर्क पड़ा, आप यहाँ के बालों में अंतर देख सकते हो। यहाँ के बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है तो ये भी स्ट्रेट पर इनपे वो है थोड़ा चमक नहीं है, स्ट्रेट करने से ना बालों में चमक आ जाती है आप देख सकते हो। इधर देखो शाइनिंग आ रही है। तो गाइस ये देखो मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं, और जिसको स्ट्रेट बाल पसंद है ना वो ये ले सकते हैं, ये स्काईलाइन का है और 800 का है। जिसको स्ट्रेट बाल पसंद है वो ये ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। मैं इसको दूंगी 10 में से 9 नंबर, वैसे तो 10 में से 10 भी दे सकती हूँ, पर मेरे को ज्यादा पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मेरे बाल पहले से स्ट्रेट है ना, तो मेरे को जिसके बाल कर लियो वो इसे यूज करेगा तो वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि इसे कितने नंबर मिलने चाहिए, पर मैं तो 10 में से 9 नंबर दूंगी क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा चमक आ रही है मेरी मामी के बालों में तो। पर ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये ओनली 800 का है। कुछ चॉकलेट बहुत मुश्किल आपको बच्चा, लव यू टू। इतनी देर में याद आ रही चॉकलेट थी ना। अच्छा मैंने सोचा चॉकलेट तो सोच के रही लव यू टू बोलने के लिए। आपको जीत जाएगी नहीं तो।
तो गाइस ये दीदी ने बना दिया मटर पनीर, और मटर पनीर के साथ साथ दीदी ने ये छोले भी बना दिए हैं। दीदी का पता नहीं चलता, दीदी बहुत फास्ट फास्ट काम करती है। दीदी ने कब मटर पनीर बनाया, कब छोले बनाए, और ये दीदी अब बना रही है गरम गरम पकोड़े। और अब दीदी और हम सब खाएंगे गर्मा गर्म पकोड़े, और इसके बाद पकोड़े खाने के बाद हम सब करेंगे थोड़ा सा डांस।
तो गाइस डांस करने के बाद सब बहुत थक गए हैं और सबको भूख भी लग रही है, तो हम बना रहे हैं अब गर्मा गर्म रोटियाँ। ये दीदी ने कटोरियों पे रख दिए हैं छोले, मटर पनीर और खीर। अब हम इसमें रखेंगे गर्मा गर्म रोटी और देखो ये सब खाने भी लग गए हैं और अब हम इसके बाद खाएंगे। ये हम भी बैठ गए हैं खाने के लिए और ये देखो सब कैसे खा रहे हैं भूख भी लग गई है। तो टाइम भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज गई थी। तो अब हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं क्योंकि इसके बाद अभी केक भी कटेगा, फिर हमने अभी घर भी जाना है। तो ये हम जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, उसके बाद कटेगा केक, खाने के बाद हो जाएगा थोड़ा मीठा। तो गाइज ये देखो केक भी कट गया है, केक भी खा लिया सबने और अभी शेक को गिफ्ट भी मिल गया। तो गाइज यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।